11:35 पे खत्म हो जाएगा। आप लोगों को लिक्विड फिल्म टॉलरेंस के बारे में जानकारी है? आप लोग मशीन पे काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल का जॉब कर रहे हैं, तो जो आपको जॉब मिलता है उसमें आपको कुछ ना कुछ टॉलरेंस दिया जाता है, कुछ ना कुछ उसमें लिमिट दिया जाता है। तो किसी को फंडामेंटल जानकारी है लिमिट के बारे में? जैसे मान लीजिए कोई हम जॉब अगर लेते हैं उस जॉब में, सपोज मान लीजिए जॉब का साइज है 25 मिलीमीटर, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ बेसिक साइज में लिमिट दिया जाता है। इस तरह का आपको देखा होगा डायग्राम में कुछ ना कुछ दिया, सर ने आपको डायग्राम दिए हैं, तो उसमें आपको जो वैल्यू होता है ये बेसिक साइज में लिमिट दिया जाता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो बेसिक साइज का जो अपर पार्ट होता है, अपर पोर्शन, मान लीजिए बेसिक साइज का 25 मिलीमीटर है, तो इसका जो अपर पॉइंट होगा मतलब प्लस 0.2 उसका अपर लिमिट होगा, और इसका लोअर लिमिट क्या होगा? -0.2। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर हम अगर जॉब को बना रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ एक्सोइन या फाइलिंग कर रहे हैं, तो इसमें आपको आपको ध्यान रखना है कि इस प्रैक्टिकल जॉब में जब बनाइएगा तो इस लिमिट के अंदर बनाए, ताकि जो मेरा जो जॉब वन फिनिशिंग जॉब है वो मेरा स्टैंडर्ड रहे, तो मेरे लिए प्रयोग में लाया जा सके। ठीक है, इसलिए हम लोग लिमिट को डालते हैं। इसके बाद हमको ध्यान रखना रहता है कि ये डेविएशन कितना होता है, ये बेसिक साइज से कितना वो डेविएट कर रहा है। सपोज मान लीजिए आपका जो लिमिट दिया हुआ है 25 में 0.2 और -0.2, वो उससे कितना डिवाइड कर रहा है, एक्चुअल साइज से कितना डिवाइड कर रहा है, बेसिक साइज से। बेसिक साइज और एक्चुअल साइज के डिफरेंस को हम लोग डेविएशन बोलते हैं। सपोज मान लीजिए ये मेरा जो फिनिशिंग जॉब आया वो मेरा 25.8 आ गया एक्चुअल साइज, और मैंने दिल दिया कितना गया था लिमिट के अनुसार 25.2 या 25.498, इसी के अंदर हमको लेना था, लेकिन मेरा डेविएशन होकर मेरा वैल्यू आ गया 25.8, तो मेरा 0.4 क्या हो गया, डेविएट हो गया, मतलब इस लिमिट से बाहर चला गया, तो मेरा जो जॉब होगा वो मेरा ओके नहीं है, उनको फिर से उसको फिनिशिंग करना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डेविएशन को अपर डेविएशन हम लोग कहेंगे 25.2, मतलब ये आ गया 25.06 मिलीमीटर, ये हो गया डेविएट कर गया एक्चुअल साइज से, जो मेरा दिया गया था 25.2 अपर लिमिट से। ठीक है, इसके बाद डेविएशन के बाद आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस होता है वो भी दो प्रकार का होता है, मैक्सिमम टॉलरेंस और मिनिमम टॉलरेंस। मैक्सिमम टॉलरेंस होगा जो कि मेरा लिमिट से जो मेरा वैल्यू है उससे मेरा कितना वैल्यू अप जा रहा है, मतलब उसमें टॉलरेंस होगा मेरा होल और सॉफ्ट दोनों का कंसेप्ट आएगा। इसमें क्या था, सिर्फ हम मान लीजिए सॉफ्ट का कि सॉफ्ट बना रहे या कोई जॉब का साइज बना रहे, लेकिन जो मेरा टॉलरेंस आएगा वो मेरा असेंबली का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें हमको सॉफ्ट भी देखना रहेगा और होल का भी देखना रहेगा साइज। तो सॉफ्ट और होल का अगर हम कंसेप्ट लेंगे तो सपोज मान लीजिए ये सॉफ्ट है और होल जो है सॉफ्ट से बड़ा रहेगा तभी मेरा सॉफ्ट असेंबली होगा। तो सॉफ्ट और होल का जो असेंबली में जो मेरा वैल्यू आएगा, डिफरेंस आएगा, वो मेरा टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट होगा, जो कि असेंबली के लिए होता है। ये जनरली हम लोग असेंबली के लिए प्रयोग करते हैं, तो असेंबली आपका हमेशा होल सॉफ्ट कॉन्सेप्ट में रहेगा। इसमें आपका लिमिट रहेगा अपर लिमिट लोअर लिमिट, जैसे कि हम लोग शुरू में ही देखे थे जॉब में दिया रहता है उसमें सॉफ्ट में भी अपर लिमिट लोअर लिमिट रहेगा और होल में भी आपका अपर लिमिट लोअर लिमिट रहेगा। लेकिन जो मेरा मैक्सिमम टॉलरेंस होगा वो होल का अपर लिमिट, होल का अपर लिमिट और सॉफ्ट का
लोअर लिमिट का डिफरेंस होता है, साफ का लोअर लिमिट का डिफरेंस होता है मैक्सिमम टॉलरेंस। मतलब यार अगर इसको हम डायग्राम से देखा जाए तो इसका डायग्राम में ये आपका मैक्सिमम टॉलरेंस होगा, ठीक है। लेकिन मिनिमम टॉलरेंस होता है वो, मिनिमम टॉलरेंस है वो होल का लोअर लिमिट माइनस साफ का अपर लिमिट। इसका डिफरेंस मिनिमम टॉलरेंस होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग असेंबली को करते हैं। हम लोग का प्रयास करता है जो टॉलरेंस दिया रहे उसमें मेरा असेंबल हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फिट। ये टॉलरेंस के बाद क्योंकि असेंबली हो गया, असेंबली में हम लोग अब फिटिंग देखते हैं। इसमें जनरली हम लोग तीन टाइप का फिटिंग देखेंगे, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट या पुश फिट, और लास्ट में इंटरफेरेंस फिट, ठीक है। ये असेंबली के अनुसार ही हम लोग उसको हम लोग क्राइटेरिया करते हैं। ट्रांजिशन फिट सबसे पहले क्लियरेंस फिट देखते हैं। क्लियरेंस फिट जो होता है वो साफ का होल जो होगा वो आसानी से उसमें चला जाएगा, उसमें आपका हमको कुछ ना कुछ हमको कुछ मेहनत नहीं करना होगा, उसमें आसानी से वो फिटिंग हो जाएगा। लेकिन ट्रांजिशन फिट जो होता है वो आपका हमको इसका डिफरेंस होल और साफ का डिफरेंस का जो बेसिक साइज रहेगा मतलब वो आपका डिफरेंस में आपका मैच करेगा। लास्ट में इंटरफेरेंस जो होगा वो होल से ऊपर चला जाएगा, मतलब साफ जो है होल साइड से ऊपर चला जाएगा, तो फिटिंग ये क्या करवाया जाता है लिमिट फिट एंड टॉलर। लेकिन तो कैसे हो जाएगा आपके प्लान में? लेकिन तो क्या बताया आपने जो इनको समझाया हो? आज मैंने लिमिट के बारे में पहले डिफिनेशन दिया, बेसिक डिफरेंस लिमिट क्या होता है, टाइप्स ऑफ लिमिट कितने तरह के होते हैं, लिमिट क्यों कर रहे हैं, इसका मोटिवेशन क्या था? मोटिवेशन ये था सर कि चूंकि हम लोग प्रैक्टिकल का जॉब करते हैं तो प्रैक्टिकल का जॉब आपने बताई थी मोटिवेशन दिया था कि प्रैक्टिकल का जॉब करना है, बोलो सही सर। ये प्रैक्टिकल का जॉब ने बताया, प्रैक्टिकल का जॉब मोटिवेशन दिया था।